स्टूडेंट्स, अब हम केमिस्ट्री पेपर 2018 में जो न्यूमेरिकल्स आए थे उनका सलूशन करेंगे। सबसे पहले सेक्शन बी के अंदर जो न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट हमारा, हाउ मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर देयर, 8 ग्राम ऑफ सल्फर और 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, यानी हमने इनके अंदर एटम या मॉलिक्यूल जो है वो निकालने हैं सल्फर के और कार्बन डाइऑक्साइड के, साथ में उनके जो है वो नंबर ऑफ ग्राम भी गिवन है। तो ये सेक्शन बी का न्यूमेरिकल था और सेक्शन बी के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 7 था पेपर 2018 का। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखें आप। सॉल्यूशन लिखने के बाद इनके आप एटॉमिक मासेस जो हैं वो लिख लें, समटाइम गिवन होते हैं समटाइम नहीं गिवन होते। ठीक है, सल्फर का कितना होता है 32, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। नाउ गिवन डाटा लिखें आप। गिवन डाटा क्या है, मास ऑफ सल्फर वो कितना है 8 ग्राम और इसी तरह मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू 8.8। ठीक है, हमें एक कंपाउंड गिवन है CO2 और एक सिंपल एलिमेंट गिवन है सल्फर। ठीक है, तो जो कंपाउंड है आप उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो है वो आप फाइंड आउट कर लें। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन CO2 कार्बन के कितने हैं 12 और उसको नंबर ऑफ एटम्स जो है वो CO2 के अंदर कार्बन के वो एक है और उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम CO2 के अंदर कितने हैं 2। ठीक है बच्चों, अगेन देख लें, CO2 का हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसके अंदर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन के नंबर ऑफ एटम एक है, आप देखिएगा ओनली सिंगल C है तो सिंगल कार्बन है। ठीक है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, तो 1 × 12 यानी नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1 × 12। ठीक है, या आप इसको एटॉमिक मास जो है वो पहले लिखें, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे CO2 के अंदर कार्बन के कितने हैं 1 है, तो आपने कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 उससे जो उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 1 है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, प्लस इसी तरह ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मास है वो क्या है 16 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स CO2 के अंदर कितने हैं वो 2 है, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड डाटा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर हमने निकालने हैं और इसी तरह नंबर ऑफ CO2 हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले सल्फर के लिए देन CO2 के लिए, डेफिनेट सी बात है दोनों की एक ही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला जो है वो सेम होगा। ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या है गिवन मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, वो क्या है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसी फार्मूला को यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट सल्फर के लिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इक्वल्स टू, तो सल्फर का गिवन मास, फर्स्ट गिवन मास है सल्फर का, गिवन मास कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एवोगाड्रो नंबर है इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 32। ठीक हो गया, इसको आपस में सॉल्व करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं हम लोग।
10 रेज टू पावर 23 को एज इट इज रहने दें, 8 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एंड डिवाइडेड बाय 32, कितना आ गया हमारे पास 1.505। तो लिखे आप 1.505 और ये 10 रेज टू पावर जो 23 था इसको आप एज इट इज लिख लें। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक हो गया, ये आपका जो फर्स्ट आंसर है ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, एटम निकालें या मॉलिक्यूल निकालें दोनों ही, CO2 इक्वल्स टू इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ये जो फार्मूला गिवन है ऊपर। ठीक है, गिवन मास कितना है 8.8 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, वो हमने कितना निकाला था ये आप देखें, 44 फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये 44 यहाँ पे आप लिख दें। ठीक है, तो 10 रेज टू पावर 23 को सेपरेटली आप लिख लें और जो बाकी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक है, क्या बना 8.8 मल्टीप्लाई बाय 6.02, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 44। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास 1.204 इंटू 10 रेज टू पावर 23 जो था इसको आप साथ ऐसे लिख लें। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 23 बहुत बड़ी है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे लिख दें आप। ठीक हो गया, तो ये बने आपके नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, ये हमारी जो सेकेंड रिक्वायरमेंट थी ये सॉल्व हो गई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको समझ आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए सॉल्व करते हुए आप इसको देखते हुए आप सॉल्व करें, डेफिनेटली आपको समझ आया होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी सेक्शन बी में से है और सेक्शन बी के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, पेपर 2018 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, उसके सेक्शन बी का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 10 था। और क्या है, डिफाइन पी ऑफ एच को आपने डेफिनेशन जो है वो बुक में से देख लेनी है, और फाइनली आगे क्या है, एंड कैलकुलेट द पी ऑफ एच एंड पी ऑफ ओ एच ऑफ 10 रेज टू पावर -5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HNO3। ठीक हो गया, इसका सॉल्यूशन लें, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन डाटा है आप उसे लिख लें, H प्लस जो है वो हमें गिवन है, ये जो 10 रेज टू पावर -5 है दिस इज H प्लस विच इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -5, और रिक्वायर्ड क्या है हमारी, रिक्वायरमेंट क्या है, हमने पी ऑफ एच फाइंड आउट करना है और पी ओ ऑफ एच जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, और जो फार्मूला है हमारे पास, आसान क्वेश्चन है, निहायत आसान है, फार्मूला जो पी ऑफ एच का फार्मूला है वो है माइनस लॉग एंड एच प्लस। ठीक है, इसे ऊपर जाके लिखें, अगेन ये फार्मूला लिख लेते हैं, इक्वल्स टू माइनस लॉग एंड एच प्लस, एच प्लस की जगह जो वैल्यू गिवन है वो लिखें आप। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, 10 रेज टू पावर -5। ठीक है, अच्छा एक लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है, अगर ऐसे हो
लॉग ए पावर बी, तो जो पावर बी बनेगी उसे हम लॉग से पहले लिख सकते हैं, यानी बी लॉग ए बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या बन रहा है, लॉग ऑफ 10^-5। तो इस माइनस फाइव को, इस माइनस फाइव को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ एच क्या बनेगा, ये देखिए ये माइनस फाइव और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस लॉग और ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, प्लस फाइव लॉग 10। ठीक हो गया, लॉग 10 जो है वो इक्वल्स टू 1 होता है, याद रखिएगा इक्वल्स टू 1 होता है। तो 5 और लॉग 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास पी ऑफ एच जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ये उसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, नाउ पी ऑफ एच का फार्मूला क्या है, पी ओ एफ एच का फार्मूला क्या है, पी ओ ऑफ एच इक्वल्स टू होता है 14 माइनस पी ऑफ एच, तो विच इज इक्वल टू 14 और माइनस पी ऑफ एच क्या था, 5 था, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 14 में से 5 निकालें 9, और ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे P of H, ठीक हो गया बच्चों, मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, डेफिनेटली आपको ये समझ आया होगा। लेकिन इन केस अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर 2018 का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे पेपर 2019 के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, पेपर 2019 के अंदर इस किस्म का हमने एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था, बिल्कुल एज इट इज जो है। स्टूडेंट्स, पेपर 2018 इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले जो दो न्यूमेरिकल्स थे वो सेक्शन बी के थे, अब जो न्यूमेरिकल आया है वो सेक्शन सी का, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, जिसे 2019 में हम लोगों ने सॉल्व किया था वो भी सेक्शन सी का था, तो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, और ये पेपर का क्वेश्चन नंबर 14 है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 14। अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर वाज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर एन आर। ठीक है, एक कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, उसमें से हमने 5 एम्पेयर करंट जो है वो एक घंटे के लिए पास की है। फाइंड द मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, यानी आपने उस कैथोड के ऊपर जो कॉपर मेटल जो डिपॉजिट हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है, यानी अमाउंट उसकी जो है वो कैलकुलेट करनी है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है कॉपर का वो इस क्वेश्चन में वो गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालें इसका। पहले हम गिवन डाटा लिखें, अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर वाज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसमें करंट गिवन है हमें, करंट इक्वल्स टू एम्पेयर इक्वल्स टू कितनी है, 5 एम्पेयर। ठीक है, टाइम गिवन है विच इज इक्वल टू 1 आवर है, 1 घंटा है, यानी 60 मिनट्स है। इसको आपने सेकंड में चेंज करना है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो 60 मिनट आ जाएगा, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है, यानी आपने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, तो ये बन जाएगा
3600, 6 6 आर 36, साथ में दो जीरो हैं तो ये 3600 सेकंड बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, वो ग्राम में गिवन है, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो जी होता है, ठीक है, और ये इनफैक्ट क्या होगा, 0.000329 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब आपने ये करना है कि ये जो पॉइंट है इसको जीरो हटाने के बाद राइट साइड पे जो फर्स्ट नंबर आएगा उसके बाद आपने लगाना है। कैसे लगाना है, यानी 0.000329 है, इस पॉइंट को आपने जीरोज के बाद जो फर्स्ट नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है उसके बाद लगाना है, यानी आपने इसको लगा देना है 3.29, तीनों जीरो हटा देने हैं और जीरो के बाद जो नंबर आएगा 3 नंबर आ रहा है उसके बाद जाके आपने पॉइंट लगा देना है। अब आप कैलकुलेट करें आप कितने डिजिट जो हैं आपने पॉइंट को मूव किया है, कैलकुलेट करें 1 2 3 4, आपने राइट साइड पे मूव किया है तो 10^-4 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 10^-4। ठीक है बच्चों, गलती नहीं करनी इसमें, तो ये बन जाएगा 3.29 × 10^-4 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें 1000 है, 1000 को हम 10^3 कह सकते हैं। ठीक है, अब इस 10^3 जो नीचे वाला है इसे आपने ऊपर लेके आना है, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जब लेके आएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी जो पावर है वो +3 में है वो -3 में चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 3.29 × 10^-4 × इसे जब ऊपर लेके आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10^-3 हो जाएगा और अब ये हमारा केजी में चेंज हो गया है। ठीक हो गया, इसी तरह 3.29 × देखें दो सेम नंबर हैं 10 और 10, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर जो है उनको आपस में ऐड कर देंगे, तो 10 लिखेंगे और इसकी पावर आपस में ऐड होके क्या बनेगी, -4 और -3 -7। ठीक है, Z क्या हो जाएगा, 3.29 × 10^-7 kg पर कूलम। इसको ज़रा मज़ीद क्लियर लिख लें, यहाँ पे आप देखें 10^-4, 10^-3 दो नंबर हैं 10 के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 10^-4 और -3। वी नो अगर दो नंबर आपस में दोनों माइनस हो रहे हो तो वो ऐड होते हैं, यानी 4 और 3 ऐड करेंगे और दोनों माइनस में तो इसका साइन माइनस में आ जाएगा, तो 10^-7 kg पर कूलम। ठीक हो गया, नाउ हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जो रफ पर किया था इसे आप रफ कर दें, ठीक है, फार्मूला सेम वही है, W इक्वल्स टू जेड इंटू ए इंटू टी। जेड क्या है हमारे पास, 3.29 × 10^-7 मल्टीप्लाई बाय ए, एम्पेयर कितना है 5 इंटू टी कितना है 3600। ठीक हो गया, तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, थ्री पॉइंट टू नाइन मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है, 3.29 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 59220। ठीक है,
ये बन जाएगा 5922 0, और 10 रेस्ट बार जो माइनस 7 थी उसको हमने नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज लिखा है। ठीक है, देखें 10 रेस्ट बार माइनस 7, जैसे ये जो वाला स्टेप था वी वाला, ये वाला जब हम लोग ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाएं तो भी उसकी पावर जो है जाके साइन चेंज हो जाता है, या उसको ऊपर से नीचे लेके आए तब भी साइन चेंज हो जाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 59220 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 7। ठीक है, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 10 रेज टू पावर माइनस 7 जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सारी वैल्यू को आप डिवाइड करके देखें, डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 7 का मतलब ये है कि 1 के साथ 7 जीरो, 1 1 2 3 4 5 6 7, और इसे डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा आपके पास W 0.00592 2, ये अभी आपकी वैल्यू आएगी केजी में। ठीक है, आप चाहें तो इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है थोड़ी सी, खास तौर पे ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका जिस चैप्टर का, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, यानी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना और फाइनली उसका आंसर लगाना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप इसकी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो पेपर 2018 के अंदर जो न्यूमेरिकल थे वो इतने ही थे, हमारे 2018 का जो पेपर है वो भी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सॉल्व हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चन पेपर की इससे पहले हमने पेपर 2019 किया था उसकी भी प्रैक्टिस करें, पेपर 2018 की भी प्रैक्टिस करें, वेरी सून जो रेस्ट ऑफ द पेपर है उसके सोल्यूशन करके भी उसे हम लोग इंशाल्लाह आपके हवाले कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, सोल्यूशन करें, और अगर किसी क्वेश्चन की या किसी पॉइंट की किसी भी जगह समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।